वह सब गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आप अपने YouTube चैनल्स के लिए रैंक कीवर्ड कैसे लेंगे। जैसे कि आपको साइट पे एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने आपको ट्यूबडी का एक स्क्रीनशॉट दिखा रखा है, जो कि हाल फिलहाल ही में मैंने एक वीडियोस बनाई थी। इसमें मेरे बहुत सारे टैग जैसे जो रैंक कर रहे हैं, तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से आप अपने YouTube वीडियोस के टैग को रैंक करवाएंगे और किस तरह से आप अपने टैग लगाएं। बहुत सारे यूट्यूबर टैग लगाते समय ये गलतियां करते हैं कि वो अपने टैग को छोटे छोटे वर्ड में लिख देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई वीडियो बनाया हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे लोग क्या करते हैं, हाउ को अलग करेंगे, टू को अलग कर देंगे, ग्रो को अलग कर देंगे, छोटे छोटे वर्ड बना के वो टैग लगा देते हैं। वहाँ पे उनकी वीडियो क्या होती है, सर्च में नहीं आ पाती है। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे मैंने यूट्यूब के टैग्स के ऊपर एक वीडियोस बनाई थी, तो इसमें मैंने अपने जो टैग है वो बहुत लंबे हैं। जैसे कि आप देखोगे हाउ टू ऐड यूट्यूब चैनल टैग्स, हाउ टू फाइंड यूट्यूब चैनल टैग्स, यूट्यूब चैनल के टैग कैसे लगाए, तो इस तरह के कुछ लंबे वर्ड लगा रखे, फिर भी मेरे यूट्यूब चैनल की वीडियो सर्च में आ जाती है और अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है। सो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से मैंने टैग फाइंड किया और ये टैग मैंने कहाँ से लिया और मैं कैसे इनको यूज़ करता हूँ, और आप भी अपने YouTube चैनल के लिए बहुत ही आसान तरीके से इनको यूज़ कर सकते हैं और अपनी वीडियोस को रैंक करा सकते हैं, अपनी वीडियोस को सर्च बार में भी ला सकते हैं। इससे पहले भी मैंने सर्च बार के ऊपर एक वीडियो बनाई थी कि आप अपने YouTube का टाइटल से अपने वीडियो को कैसे सर्च में लाएंगे। अभी इस बारे में आपको बता रहा हूँ कि आप अपने कीवर्ड से अपने वीडियो को कैसे सर्च में ला सकते हैं, यानी कि टैग से कैसे सर्च में ला सकते हैं। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो अपने YouTube वीडियोस में टैग डालते हैं, अगर उनने मान लीजिए हाउ टू यूट्यूब चैनल ग्रो करके कोई वीडियो बनाई है, तो अपने टैग में क्या करते हैं, वो छोटे छोटे वर्ड लिखते हैं। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ वो क्या करेंगे, जैसे ऐसे हाउ लिखते हैं, एक सेकंड, थोड़ा सा मेरा फ़ोन स्लो चल रहा है अभी। सो ऐसे करेंगे, हाउ करके इसको एक अलग से सेव कर देते हैं, फिर टू करके अलग से सेव कर देते हैं। सो वो छोटे छोटे कीवर्ड बनाते हैं। लेकिन अगर आप पूरा लंबा बनाओगे हाउ टू ग्रो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूट्यूब, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू ग्रो यूट्यूब, मैंने इतना ही लिखा और यहाँ पे आपको नीचे देखिए बहुत सारे ऑप्शन आ गए हैं, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल 2020, यहाँ पे हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल फास्ट, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल गेमिंग, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर। तो आप इनको यहाँ से कॉपी कर लीजिए, यानी कि इनको डायरेक्टली कॉपी नहीं करना है, आप इनको पहले यहाँ से किसी में लिख लीजिए और उसके बाद इनको आप अपने टैग्स में यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा कि इन टॉपिक्स में अगर कोई भी बंदा क्लिक करेगा तो आपकी वीडियो भी सर्च में आ जाएगी। तो बेसिकली मैं भी यही करता हूँ, मैं यहाँ से इनको कॉपी करके अपने टैग्स में डाल देता हूँ और वहीं से मेरी वीडियो धीरे धीरे सर्च में आने लग जाती है और यहाँ से मेरी वीडियो रैंक भी करती है। सो मैंने पहले भी इसमें आपको बता दिया था कि आप किस तरह से करेंगे, तो आप समझ गए होंगे कि आपको टैग कहाँ से लगाने हैं जिससे कि आपकी वीडियो भी सर्च में आए। सो जैसे कि आपने देखा, मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि आप अपने यूट्यूब वीडियोस के लिए बेस्ट टैग कैसे फाइंड कर सकते हैं जिससे कि आपकी वीडियो रैंक करे और आपके टैग भी रैंक करे। सो असर उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम इसी तरह की यूट्यूब ट्रिप्स और टिक के ऊपर वीडियो बनाते रहते हैं। अगर आपका कोई भी सवाल जवाब हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं सभी के सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूं आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।